नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ऐसा है कि शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा या मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे भी आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे। पासपोर्ट भी बिकते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, पासपोर्ट भी बिकते हैं। अब कैसे बिकते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि ये पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बेस पे मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूवर हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको तो कम से कम अवेयरनेस हो सके। अब पासपोर्ट बिकते कैसे, प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको तुरंत आपको बता दूं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट नोट करे इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, आपके पास ऑफर आते हैं, ऑफर का मतलब लालच ही समझ सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें अपने को लालच दिया गया है कि आप ऐसे कर लो। जरूर नहीं विदेश से रिलेटेड ऑफर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसमें मान लीजिए आपने YouTube पे वीडियो देखे, Facebook पे देखे, आपके मोबाइल पे मैसेज आया या फिर कॉल आया या फिर किस तरह से भी आपने कॉन्टेक्ट ऐसा है, कम पैसे में जल्दी आपका काम होगा, सैलरी आपकी अच्छी होगी, इस तरह के लालच आपको मोटे मोटे दिए जाते हैं। अब आप क्या करते हैं कि उन ये बातें समझ में आ जाती है, एक बंदा दुबई का 1,00,000 रुपए ले रहा है, इधर रशिया, मलेशिया, सिंगापुर या और कंट्रियों का 50,000 में काम हो रहा है, तो वो बंदा फिर लालच में आ ही जाता है, समझ रहे हो बात को। अब फिर वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब पासपोर्ट आपसे ले लिया, मैंने 2 महीने 3 महीने चक्कर कटवाए, आपका मेडिकल हुआ, आपसे थोड़े बहुत पैसे भी ले लिए, धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाता है कि आपके काम नहीं होगा, तो वो फिर आपको या तो दो तरीके होते हैं, या तो आपका पासपोर्ट वो आपको बोलते हैं कि हम आपका पासपोर्ट कोरियर कर देंगे, हमने आपका पासपोर्ट कोरियर कर दिया, या फिर आप पासपोर्ट लेके जाओ। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि 100-150 पासपोर्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस वाला गायब हो जाता है, ऑफिस गायब हो जाती है, तो आपका पासपोर्ट गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा पासपोर्ट एजेंट लेके भाग गया, ऐसे कमेंट आते रहते हैं, ठीक है। कई कई बार ऐसे होता है कि एयरपोर्ट से बंदा पासपोर्ट लेके भाग गया, ऐसा होता है ना अपने साथ में, आपने आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। उस स्थिति में क्या होता है कि ये पासपोर्ट का करते क्या है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर कोरियर वाले सर आपका पासपोर्ट हमने कोरियर में भेज दिया, नहीं मिला होगा, गलत हो गया, आपका पासपोर्ट हमसे गुम हो गया, ये बहाने बनते हैं, या फिर ऑफिस वाला गायब हो जाता है। आप ये सोचते हो यार कोई नहीं, पैसे तो लगे नहीं, पासपोर्ट ही तो गया, पासपोर्ट और बना लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, ये स्थिति आप लोगों के साथ हो जाती है, लेकिन पासपोर्ट भी बिकते हैं। पिछले दिनों एक महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई बंदे को पकड़ रखा, ऐसा कोई वीडियो था, वो दिल्ली से चल के बॉम्बे पहुंचा, यूपी का बंदा था, 10 पासपोर्ट उससे पकड़े गए थे, पर पासपोर्ट उसको 5,000 से 10,000 का कमीशन था, समझ रहे हो बात को। वो पासपोर्ट कोरियर से पहुंचे थे, 5 पासपोर्ट थे, वो बेचने के लिए बॉम्बे पहुंचा था, तो आप समझ लो कि यार पासपोर्ट तो बिकते हैं, समझ रहे हो। अब उस एजेंट को किसी ने पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वहां का मैटर है, लेकिन अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि पासपोर्ट भी हर किसी को नहीं देना, पासपोर्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है यार, वो इलीगल तरीके से काम में लेते हैं, कहीं ना कहीं तो पासपोर्ट काम आता है, वरना तो पासपोर्ट बेचने का सवाल क्या है। एक पासपोर्ट 1,500 रुपए बनता है, अगला पागल है जो 10,000 रुपए बेचने के, जो खरीद रहा है उसको 10,000 रुपए देगा, सोचने की बात है। तो कहीं ना कहीं पासपोर्ट इलीगल एक्टिविटी में काम आते हैं, चाहे वो कोई स्कैम करें या फिर कोई क्लोन उसका पासपोर्ट कॉपी बनाए। अब बोलोगे यार पासपोर्ट में तो अपने फिंगर भी होते हैं, आई स्कैनर भी होता है, कैसे काम आएंगे, लेकिन इतना मुझे इस गहराई में अभी तक पहुंचे नहीं कि पासपोर्ट का वो क्या करते हैं, लेकिन पासपोर्ट बिकते हैं। स्क्रीनशॉट डाल देता हूं साथ में, आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा। शॉर्ट में भाई बात यह है कि जब भी आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप गौर कर लें, लगाने से पहले कहीं पर भी पासपोर्ट अपना स्थिति देख लें कि सही जगह अपना पासपोर्ट लग रहा है। कल को काम नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं, काम नहीं होता कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपना पासपोर्ट तो अपने को वापस मिले ना, काम नहीं होता तो थोड़ा सा आप गौर कर ले भाई। इसीलिए वीडियो बनाया गया था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज इसी तरीके से सही टॉपिक, सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।